वेलकम दोस्तों, मैं फिर से एक कलर प्रोसेस वाला वीडियो लेके आया क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा आदमी कमेंट किया है कि मैं कौन सी ब्रांड इस्तेमाल करता हूँ और उसका प्राइस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करता हूँ और उसका प्राइस क्या होता है, और मैं ये भी दिखाऊँगा कि मैं कलर को कैसे प्रोसेस करता हूँ और कैसे कलर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, ये एडिशन का येलो कलर है, उसके साथ मैं कोई भी एक रेड कलर मिला देता हूँ। अभी मैं जो कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है एडिशन, और रेड कलर है रीमा कंपनी का। ये कोई भी हम कलर उठा लिया है। ये एडिशन कलर जो है, इसका जो फिनिशिंग है वो एकदम स्मूथ फिनिश होता है, ये ऑयल बेस्ड है। और आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर इस्तेमाल करता हूँ मैं, वो नेरोलॉक का जो नोवा प्लस आता है वो है। इसका लगभग प्राइस होता है एक लीटर का 400 के आसपास, दोनों का सेम ही है, ऐसे 400-450 के आसपास में आ जाता है। मैं पर्सनली ये जो कलर है इसको यूज़ करता हूँ, मतलब मेरा जो पसंद है ये कलर। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये कलर जो है ये ऑयल बेस्ड है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होने का डर नहीं आता है। ऑयल गिरेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, और कभी कभार क्या होता है कलर करने के बाद जो छिलका उड़ जाता है, इसमें छिलका उड़ने का डर नहीं होता है। तो दोस्तों पहले देखिए, मिला दिया हम, अभी कलर कैसे करेंगे। ये मेरा जो कलर मिस्त्री है वो कलर कर रहा है। देखिए, ये जो एयर का जो प्रेशर होता है ना, इसका भी थोड़ा कारीगरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वर्कशॉप में इतना सारा मशीन खड़ा हुआ है, ये सब कलर होगा। अभी देखिए, जो छोटा छोटा पार्ट्स है उसको खोल के रखा हुआ था, यहाँ पे देखिए पुट्टी मार दिया है, अभी इसको घिस रहा है। दोस्तों यहाँ पे दो टाइप का कलर होता है, एक तो होता है पार्ट बाय पार्ट सारा चीज़ को खोल के अलग अलग करके कलर किया जाता है, और फाइनली जो लास्ट कलर होता है, फाइनल कलर वो होने के बाद मशीन को असेंबल किया जाता है। इसका रेट अलग है, अगर आपको रेट जानना है तो मुझे कमेंट करिए। और दूसरा टाइप का जो होता है वो है, जैसे आप देख रहे हैं अभी जो कलर हो रहा है, लोडर आर्म लगा हुआ है, इंजन रेडिएटर सब कुछ लगा हुआ है, ट्रांसमिशन एक्सेल पीछे वाला बूम डिपर सब कुछ लगा हुआ है, और केबिन खोल दिया गया है। तो ये एक टाइप हो गया है, इसका रेट थोड़ा सा कम लगता है। तो इसका भी रेट अगर जानना है तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए, आप कौन सा वाला आपको पसंद है, कौन सा वाला कलर करने का आपको पसंद है, वो भी ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं आप। और जो लोग अपना मशीन में कलर करना चाहते हैं तो वो लोग मुझे कमेंट करिए, मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए और आ जाइए, रेट में कुछ दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे एकदम ओरिजिनल कलर होता है, जैसा मतलब नया मशीन निकलता है फिनिशिंग होने के बाद स्टिकर वगैरह का जब काम हो जाता है तब लगेगा आपको नया मशीन आ रहा है, मतलब कलर का फिनिशिंग इतना अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।